अब मिलेगी सभी को सरकारी जॉब। विजिट कीजिए अभी रोजगारकीखोज.com, विजिट करें अभी www.rozgarkikhoj.com। जय हिंद साथियों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। यदि आपका भी सपना है किसी सरकारी नौकरी को प्राप्त करना, या आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है। आप सभी के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से नई सीधी भर्ती आ चुकी है। फ्रेंड्स, यदि आप सभी ने केवल 10वीं पास कर ली है तो आप सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। आप सभी भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप सभी आवेदन कर पाएंगे। आपके यहाँ पर ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। एंड यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस भर्ती के जो आप सभी के एप्लीकेशन फॉर्म में 5 अगस्त 2023 से आप सभी के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और आप सभी यहां पर 18 सितंबर 2023 तक आप सभी आवेदन कर पाएंगे। आप सभी के लिए 5 अगस्त 2023 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस को लेकर, तो आप सभी यहाँ पर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पर किसी भी कैटेगरी की कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। आप सभी यहाँ पर निःशुल्क आवेदन कर पाएंगे। बात करेंगे आपकी एज की लिमिट को लेकर। देखिए फ्रेंड्स, आपके यहाँ पर वेरियस पोस्ट रहने वाली हैं, जैसे आपके यहाँ पर वेल्डर, स्टोर कीपर, MTS, सफाई कर्मचारी, पोस्ट के अकॉर्डिंग आप सभी के यहाँ पर अलग अलग एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पर बात करेंगे आप सभी यहाँ पर 18 से 27 साल तक आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर SC ST कैंडिडेट 18 से 32 साल तक आवेदन कर पाएंगे और OBC कैंडिडेट यहाँ पर 18 से 30 साल तक आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी क्या रहेगी, वो आप सभी यहाँ पर सैलरी देख पा रहे होंगे। लगभग आपकी एक एक्सपेक्टेड सैलरी की बात की जाए तो आपकी 28,000 रुपये के लगभग आप सभी के यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। अब फ्रेंड्स, बात करेंगे आपकी, देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी को लेकर, तो टोटल यहाँ पर 25 यानी 25 पदों पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप सभी अपने यहाँ पर पोस्ट को चेकआउट कर लेंगे। आप सभी के लिए यहाँ पर इंजन ड्राइवर की सबसे पहली पोस्ट है, जिसकी यहाँ पर 4 नंबर ऑफ आपकी वैकेंसी रहने वाली है। ड्राफ्टमैन की आपकी एक पोस्ट है, स्टोर कीपर की आपकी एक पोस्ट है, आपके यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की 4 पोस्ट हैं, फॉर्क लिफ्ट ऑपरेटर की आपकी एक पोस्ट है, वेल्डर स्किल्ड की आपके यहाँ पर एक पोस्ट रहने वाली है, आपके यहाँ पर लश्कर की आपकी 8 पोस्ट रहने वाली हैं, MTS पियोन की आपके यहाँ पर 2 पोस्ट रहने वाली हैं, MTS स्वीपर की आपके यहाँ पर 2 पोस्ट रहने वाली हैं। इसके अलावा यहाँ पर अनस्किल्ड लेबर की, जो आपके अनस्किल्ड लेबर की आपके यहाँ पर एक पोस्ट रहने वाली हैं। अब देखिए बात करेंगे फ्रेंड्स आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर, कि आपकी किस पोस्ट की आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। देखिए फ्रेंड्स, जो आपके यहाँ पर सबसे पहली पोस्ट है वो आपकी इंजन ड्राइवर की है, तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर इंजन ड्राइवर के लिए, यदि आप सभी ने 10वीं पास कर ली है प्लस फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर इंजन ड्राइवर का, आपके पास किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तभी आप सभी इंजन ड्राइवर की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो आपके यहाँ पर आपकी सेकंड पोस्ट रहने वाली है वो आपके यहाँ पर लश्कर की आपकी पोस्ट रहने वाली है, जिसके लिए आपकी फ्रेंड्स 8 नंबर पर आपकी पोस्ट रहने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपने यहाँ पर 10वीं पास कर लिया है प्लस आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी जहाज़ में काम करने का, तो आप सभी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है इस लश्कर की पोस्ट में आपका अनिवार्य रहने वाला है, लश्कर की पोस्ट के लिए, तभी आप सभी आवेदन कर सकते हैं जब आपके पास एक्सपीरियंस हो। देखिए फ्रेंड, जो आपके यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट रहने वाली है वो आपके MTS स्वीपर की आपकी पोस्ट रहने वाली है, जिसकी आपकी 2 नंबरों पर आपके यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। फ्रेंड्स, यदि आपने 10वीं पास कर ली है तो आप सभी आवेदन कर पाएंगे। जो आपको यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ये आपका डिजायरेबल रहने वाला है, यानी कि आपके पास है,
तो आप अपनी फोटोकॉपी करके लगा देंगे, वरना कोई कंपलसरी नहीं है। जो आपकी नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट आने वाली है वो आपके एमटीएस पियोन की यहाँ पर पोस्ट आने वाली है। इसके लिए भी केवल टेंथ क्लास पास आउट कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तब भी आप सभी आवेदन कर पाएंगे। जो आप सभी यहाँ पर आपकी नेक्स्ट पोस्ट आने वाली है वो आपकी सिविलियन मोटर ड्राइवर की आपकी पोस्ट आने वाली है। यदि आप सभी ने दसवीं पास कर लिए प्लस आपके पास हैवी या लाइट कैसा भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, आप सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर भी जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपका कंपलसरी नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट फ्रेंड, आपके यहाँ पर ड्राफ्टमैन की आपकी पोस्ट आने वाली है, जिसके अभी आपका फुल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जैसे 5 अगस्त 2023 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में इस भर्ती का नोटिफिकेशन पब्लिश किया जाएगा, तो आपको वेबसाइट के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा कि ड्राफ्टमैन की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। नेक्स्ट, आपके यहाँ पर स्टोर कीपर की आपकी पोस्ट रहने वाली है। इसके लिए फ्रेंड्स, यदि आप सभी ने 12वीं पास कर ली है तो आप सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, इस पोस्ट में आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपका अनिवार्य रहने वाला है। आप सभी यहाँ पर स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए तभी आवेदन कर सकते हैं जब आपके पास एक्सपीरियंस हो। यहाँ पर जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट लेने वाली है वो आपके फॉरक्लिफ्ट ऑपरेटर की पोस्ट है, जिसके लिए 10th क्लास पास आउट कैंडिडेट है प्लस आपके पास आईटीआई है और 3 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर भी आपका एक्सपीरियंस आपका कंपलसरी रहने वाला है। नेक्स्ट, आपके यहाँ पर वेल्डर स्किल्ड की आपकी पोस्ट रहने वाली है, जिसके लिए फ्रेंड्स यदि आपने 10वीं पास कर ली है या आपके पास आईटीआई है और आपके पास एक्सपीरियंस है, इस पोस्ट में भी आपका एक्सपीरियंस कंपलसरी रहने वाला है। यदि आपके पास आईटीआई है तो आप आवेदन कर सकते हैं, आपके लिए जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए कंपलसरी नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट, आपके यहाँ पर अनस्किल्ड आपकी लेबर की पोस्ट है, जिसके लिए केवल 10वीं पास आउट कैंडिडेट या आपके पास आईटीआई है। यहाँ पर भी आपका कोई एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं मांगा हुआ है। यदि आपने केवल 10th क्लास पास आउट कर लिया है तो आप सभी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट को लेकर कि आप सभी को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास रहने चाहिए। सबसे पहले आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट रहना चाहिए। आप जैसे 10वीं से आवेदन करेंगे, 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी आपके पास रहनी चाहिए। जिस भी आप क्वालिफिकेशन से आवेदन करेंगे, आईटीआई से आवेदन करेंगे, तो आपके पास आईटीआई के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आपके पास रहनी चाहिए। एज प्रूफ के रूप में यदि आपके पास जन्मतिथि प्रमाण पत्र है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, वरना फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट का यूज कर लेना होगा। देखिए, यदि आप यहाँ पर ड्राइवर की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ड्राइवर का यहाँ पर जो आपके पास लाइसेंस है, हैवी या लाइट हो, कैसा भी हो, आप सभी आवेदन कर सकते हैं। तो आपको उसके एक्सपीरियंस, जो आपके पास जो लाइसेंस है उसके सर्टिफिकेट की आपके पास फोटोकॉपी रहनी चाहिए। इसके अलावा जिस ट्रेड से आप आवेदन करें, यदि आपका उस ट्रेड में आपका सर्टिफिकेट मांगा हुआ है यानी एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपने फॉर्म पर चिपकाना है, एक आपको अलग से भेजना होगा। इसके अलावा यदि आप EWS, OBC या SC ST कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपने यहाँ पर जो सेंटर का आपका सर्टिफिकेट है उसकी आपको आवश्यकता रहने वाली है। बस फ्रेंड्स, यही आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं जो आपको आवश्यकता रहने वाली है। अदर डॉक्यूमेंट आपके डिजायरेबल हैं, यदि आपके पास हैं तो आप यूज कर सकते हो, वरना कोई कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, ये आपका सेंडिंग एड्रेस रहने वाला है। इस एड्रेस पर आप सभी को अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना होगा। कोस्ट गार्ड रीजन मुंबई के लिए आप सभी को अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना होगा। आप सभी को याद क्या रखना है, सबसे ज़्यादा रिजेक्ट जो फॉर्म होने का रीज़न रहता है वो रहता है कि फ्रेंड, जितनी भी आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड की भर्ती आती हैं उनको जो आपको सेंड करना होता है वो आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा सेंड करना होता है। जैसे आप अपने डाकघर में जाएंगे तो आपको बस साधारण डाक के द्वारा सेंड करना है। आपको अपने फॉर्म को यहाँ पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजना होगा, वरना जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। डिटेल जानकारी के लिए आप रोजगार की खोज वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। सिंपली गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं रोजगार की खोज, तथा वेट कर सकते हैं 5 अगस्त 2023 का, क्योंकि 5 अगस्त 2023 को इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर और ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा। उसके बाद जितने भी आपके डाउट बचे हुए वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी यार कमेंट करके जरूर बताना है। इसी प्रकार की हेल्पफुल जानकारी के लिए आप हमारे ऑफलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।